बिहार का एक गांव ऐसा भी जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि चार दशकों से गांव में नहीं बची है शहनाई। इस गांव में अभी तक नहीं हुए किसी बेटी के हाथ पीले। गांव के लोगों को शादी करना है तो जाना पड़ता है गांव से बाहर। ये सुनकर के बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये हकीकत है उस बिहार की जहां के पंचायतों में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया है, सरकारी नौकरियों में 33%, लड़कियों को पढ़ने जाने के लिए पोशाक, साइकिल योजना जैसी तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन एक ऐसा गांव भी है जहां 40 सालों से बारात आई ही नहीं है। यहां की बेटी भले ही अपने गांव में बड़ी हो जाए, लेकिन उसकी शादी इस गांव में हो ही नहीं सकती। वजह साफ है कि कटाव और बाढ़ का दंश झेल रहा ये गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है। लंबी सी ये दिख रही सड़क जिस पर ये मोटरसाइकिल दौड़ रही है, यही यहाँ की हाईवे है। और रेत पर फिसल रही ये जिंदगी वो एक्सप्रेसवे है जहाँ पर 40 दशक से लोग अपने जीवन को काटते जा रहे हैं। जिन लोगों ने 60 बसंत पूरे कर लिए, उनकी उम्मीदें भी उसी तरह टूट गई जैसे चुनाव के बाद नेता के न दिखने का। सुनिए क्या कहते हैं इस क्षेत्र के लोग। कोई साधन नहीं है, साधन अगर रहता तो इतना परेशानी थोड़े हम लोग को झेलना पड़ता। ये सरकार तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, बस इलेक्शन के बाद और कुछ नहीं। किशनगंज और पूर्णिया दो जिलों के बीच में 22 प्रखंड के ताराबाड़ी अल्पसंख्यक गांव की 800 की आबादी आज भी ये नहीं जानती कि उनके गांव में शहनाई कब बजी थी, ढोल की ताल पर बेटियों की विदाई कब हुई थी, मेहंदी की रस्म कब अदा हुई थी, और बेटी की विदाई के लिए समधी के आने पर और लोगों के जाने पर सोहर और गाली कब गाई गई थी। ये तमाम चीजों से ये गांव महरूम है। वजह साफ है कि यहां पर आज भी जिंदगी उधार की है, क्योंकि नेता आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, ये हम नहीं गांव के लोग कह रहे हैं। यहां का एमपी हुआ या एमएलए हुआ, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कोई नहीं आते हैं, चाहे हारे या जीते। ये बिहार की बदकिस्मती है कि बाढ़ हर साल बिहार को डुबो जाती है, उम्मीदों की हर कहानी बह जाती है, उतरता बाढ़ का पानी जिंदगी के बहुत सारी चीजों को डुबो ले जाता है। उसके बाद भी हिम्मत न हार कर आगे बढ़ने वाले बिहार की एक कहानी ये भी है कि जहां हुनर और तालीम मरकज की कहानी होती है, वोट बैंक के लिए नेता टीका और टोपी दोनों पहन लेते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को तो सिर्फ उम्मीदों की ही टोपी पहनाई गई, क्योंकि बेटियों की बारात यहाँ कब तक आएगी इसकी बात कहने के लिए कोई नहीं है। नाव पर चलती जिंदगी और रेत पर फिसलता ये एक्सप्रेसवे यहाँ के लोगों की नियति है। सड़क पर मोटरसाइकिल चाहे जिस रफ्तार से चलती हो, लेकिन इस पगडंडी पर ही जिंदगी कैसे चलती है आप खुद देख लीजिए। बिहार की वो हकीकत है जो विकास के लिए छटपटाहट और विकास के दावों की हकीकत की कहानी कहता है। बहरहाल नेताजी हैं, कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन इस गांव में बारात मत लाओ, यह तो यहां की नियति है। खत्म कब होगी इंतज़ार सबको है, जरा सोचिए। यही अगर विकास है तो कब तक भारत सही दिशा में बिहार को अपने साथ जोड़ पाएगा कहना मुश्किल है। सवाल खड़ा है, जवाब तो सियासतदानों को ही देना है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होगी तो वोट नहीं मिलेगा। किस्मत इन गांव वालों की है, सुधरेगी कब नहीं कहा जा सकता। पूर्णिया से आकाश कुमार की रिपोर्ट।